CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. बेलतरोड़ी क्षेत्र के एक मंदिर में मूर्ति चुराने वाले नाबालिग सहित दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान चोरी की एक और वारदात को कबूला, जिसमें इन दोनों ही आरोपियों ने एक मोबाइल शॉप में चोरी कर 1,90,000 का माल उड़ाया था। जानकारी के अनुसार बेलतरोड़ी स्थित पंचमुखी शिव मंदिर में गत 4 मई को सुबह करीबन 4:45 के दौरान आरोपी विलास राजेश चार्ली और आरोपी श्वेश निवारे ने मंदिर में रखी मूर्ति को चुराया था, जिसके बारे में मंदिर के ट्रस्टी रमेश उमाजी बावनी द्वारा शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गए और इन दोनों ही आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से संपर्क में थे और यूं ही शहर में घूमते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इसी के साथ जब इनसे पुलिस कड़ी पूछताछ करने लगी तो डरे सहमे इन आरोपियों ने अजनी थाना क्षेत्र की एक मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से इन आरोपियों ने करीब 1,90,000 रुपए का माल चुराया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस स्टेशन बेलतरोड़ी येथे अपराध क्रमांक 190/23 अपराध क्रमांकाचा गुन्हा फिर्यादी रमेश बावने व 61 वर्ष प्लॉट नंबर 31 नवनाथ कॉलनी मस्के लेआउट या मंदिरातील फिर्यादींनी हा गुन्हा नोंद केला होता। त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आपण जे तांत्रिक पद्धतीने त्या मंदिराच्या फुटेजमध्ये मिळालेल्या आरोपींच्या आधारे फुटेजच्या आधारे त्या आरोपीचा शोध घेतलेला, त्याच्यामध्ये दोन आरोपी निष्पन्न आहेत। त्याचं नाव आहे सुयश ठाणेलाल नेवारे आणि विलास उर्फ विल्ला राजेश सोरले, असे दोन आरोपी आहेत आणि एक विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे। यांच्याकडून त्या मंदिरातील एक अष्टधातूंच्या पंचमुखी ज्या मूर्ती आहेत, त्या दोन खंडित मूर्ती आणि एक रोजची पूजेची मूर्ती, अशा प्रकारे दोन मूर्त्या चोरीस गेल्या होत्या। त्या एकूण दोन मूर्ती त्याच्यामध्ये आणि मंदिरातील माईक वगैरे असा मुद्देमाल एकूण 46,000 मुद्देमाल रिकवर केलेला आहे। आणि त्याच घटनेच्या दिवशी त्यांनी परत एक अजनीच्या हद्दीमध्ये अपराध क्रमांक 280/23 गुन्हा केलेला होता, तो दाखल आहे अजनीला। त्या गुन्ह्यातील एक मोबाईल शॉप त्यांनी फोडलेली होती, तर त्या तेथील सुद्धा मुद्देमाल काही मोबाईलचे जे ब्लूटूथ वगैरे सामान असतं ते पण आम्ही 19,094 रुपयाचं जप्त केलेलं आहे। अशी या आरोपींकडनं 3 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत। NBC News के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षांत सारी की रिपोर्ट। Enroll now for more details call